अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उताहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहसिन। और आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं उस्मान। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हाँ भाई, हर जगह शोर मच रहा है ब्लू वेल, तो हमने सोचा एक वीडियो ब्लू वेल के ऊपर बना लें। तो आपको इस बारे में बताते चलते हैं, इसका फाउंडर कौन था। इसका फाउंडर एक रशियन आदमी था और उसका नाम है फिलिप्स, और वो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गया था। उसको निकाल दिया गया था और बस उसके बाद फिर उसने फैसला किया कि मुझे निकाला तो मैं सबको दुनिया से निकालूंगा। मतलब उसने मैं बर्बाद तो सब बर्बाद मैं निकाला गया तो मैं दूसरों को निकालूंगा। उसने सोच किया कि पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मतलब यही करना है, उनको डिप्रेशन का शिकार करना किसी तरह। तो उसने एक तरह से अपना मिशन बना लिया था ये। और ब्लू वेल मिशन है, एक तरह से मिशन है, हालांकि उसको जेल में डाल दिया लेकिन उसका मिशन अभी भी जो है ना लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसके गेम को, जो ब्लू वेल को है, वो आगे चला रहे हैं। ये जो है हमारे लिए खतरनाक बात है, जैसे वैसे पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बात है, क्योंकि उसकी जो उस गेम के जो मिशन है खासतौर पर वो कुछ इस तरह के हैं जो मतलब कुछ डिस्टर्ब करने वाले हैं। अगर कोई किसी आम बंदे का पता है तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। खास तौर पे इन काफ़ी सारे वो मिशन हैं, मगर आखिरी वाला मिशन जो है वो हमने सुना है इसके बारे में। इसमें आपको वो सुसाइड करनी पड़ती है, तो मतलब आम चीज़ें समझ में आ जाती है, काटना वाटना, वो उसका सेंस उसका भी सेंस ही बनता है, मगर भी बनता है, लेकिन जो सुसाइड कर लेना सुसाइड का और सबसे गलत बात जो है चलना उसमें ये कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपने एक दवा गेम खेलना शुरू कर दिया और उसको क्विट नहीं कर सकते, उसको आपको एंड करना पड़ेगा। इस गेम को छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑपरेटर के पास से नहीं। ये चीज़ है बिकाइज बेसिकली इस ग्रुप का जो ये जो गेम जो है इसका बेसिकली आगाज़ हुआ था रशिया से, क्योंकि इसका जो फाउंडर है वो खुद रशियन था। तो उसने रशिया में, जैसे यहाँ पर हमारे पास फेसबुक होती है, तो रशिया की एक अपनी फेसबुक जैसी साइट है, वहाँ पे जो उनका ग्रुप होता है उसमें वहाँ पे उन्होंने एक ग्रुप बनाया था अपना, वहाँ से स्प्रेड हुई थी, वहाँ से स्प्रेड हुई। उन्होंने अपने ग्रुप में डाला, तो ग्रुप मेंबर्स ने जो है वो ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने गेम से मतलब सिर्फ अपने पास रखा, बल्कि उन्होंने शेयर करना शुरू करा। बेसिकली मौजूद हुआ वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेथ रेशियो है ना वो रशिया के अंदर, रशिया के अंदर बिल्कुल। और खासतौर पर इस गेम की वजह से रशिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है इस गेम की वजह से मर रहे हैं। और वो जो 14 ईयर की लड़की थी उसका भी यही हुआ था कि यार सीन ये था कि ग्रुप जो है उनका एक ग्रुप बना हुआ था फेसबुक, जैसे हमारा फेसबुक उनका एक रशिया में अपना एक होता है साइट होती है, तो उसमें उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था उन लोगों के लिए जो लोग डिप्रेस होते हैं और जो लोग मतलब तंग आए होते हैं जिंदगी में, ब्रेकअप हुए होते हैं, इस तरह के जितने मिशन होते हैं ना, तो उन्होंने अपने लिए ग्रुप बनाया हुआ था उसमें। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, इसका जो फाउंडर था ना फिलिप्स, वो था इसका मेन फाउंडर, और उसने अपने जो फॉलोअर्स थे, अपने जो दोस्त वगैरह थे, उनके साथ ही मिशन को आगे बढ़ाया। हालांकि अभी फिलिप्स जो है वो जेल के अंदर है, वो किसी भी तरह से जो है ऑपरेट नहीं कर सकता। इट मीन्स के कोई और है, कोई और ग्रुप है, वो और इसको ऑपरेट उसके जो फॉलोअर्स हैं ऐसी बात अभी आगे चला रहे हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसकी जो थ्योरी को सही समझते हैं। अब पता नहीं किस सेंस से समझते हैं, हमें समझ नहीं आता कोई भी। ये डाउनलोड किस तरह होता है, हमारे एक लिंक जो है वो शेयर किया जाता है फेसबुक, ट्विटर और दूसरी जो सोशल साइट्स हैं वहाँ पर एक लिंक शेयर किया जाता है। वो लिंक शेयर करने के बाद आपने डाउनलोड किया और वो डिलीट भी नहीं होता, सबसे बड़ी बात। उसको आप लाभ चाहें कितना भी डिलीट करना, वो किसी तरह से डिलीट नहीं होता। और फिर उसमें ये होता है कि ऑपरेटर के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। कुछ केसेस में जो है ऑपरेटर खुद आपसे जो है इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर लेता है। अब ये तो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, ये बेवकूफ़ी उनकी तरफ से भी है जो आपकी इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके टोटल 50 टास्क हैं, जिसमें से मैं कुछ टास्क जो है आपको बताऊँगा। उनमें से एक टास्क ये है कि आपको अपने हाथ पे नव समीत 3 कट लगाना है, और इसके अलावा आपको अपना वोट कार्ड में चर्बी अलग करनी, और चर्बी अलग करनी है, फोटो अलग करनी है, बारबेक्यू की रोटी छोटी। अच्छा, यार तो मतलब सहायता इसमें काटने पीटने वाले कमाई का जो हाथ में है काट दो, घर वाले बोलते हैं बेटा जरा वोट काट के देना, एक काम भी हो जाए। तो ज़्यादा इसलिए है, और कुछ जो इसमें है कुछ जो है उसके वो टास्क हैं, उसमें एक कुछ टास्क ये हैं कि क्या कहते हैं, आपको सुबह 4:29 पे
उठना है और अपनी करीबी ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा होना है और उसके कोने पे कुछ घंटे तक खड़ा रहना है। हमारे लोग 12 बजे नहीं उठते, ये कोने पे खड़ा होते 4:39 को ये वो करना है 12 बजे आपको चप्पल लेके उठा रही होती है तो आपको ये सुधारने के लिए ये सुना आपको सुधारने अच्छा इसका ये फायदा हुआ कि आपको बस 4 बजे उठिए, इसका बहुत अच्छा फायदा है। तो वो अलग बात है, आप कोने पे ऊपर खड़े होकर सुट्टा बुट्टा मार लो और क्या अलग सीन है यार। इसी तरह मैं जुगाड़ करके लिंक ले आऊंगा तुम्हारे पास, मगर आप भाई को जिंगल खिला दो, खिलाड़ी को जिंगल, ठीक है, डन हो गया। देखो मैं ऑन कैमरा है, अगर नहीं खिलाया तो अगली वीडियो में बता रहा हूँ। ज़्यादातर जो है डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन अगर कुछ आ जाती है तो वो इस तरह की साइज पर चली जाती है और फिर वो वहाँ पे जो है उनको टॉर्चर मिलता है। लड़कियाँ सबसे ज़्यादा डर जाती हैं, ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ यार मुझे ये कहीं से लिंक मिल जाए, ठीक है, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वाकई में रियल है या ये फेक है। मीन्स मतलब ऑपरेटर जो है आपको बोल रहा है, हमें कैसे पता है कि वो इंसान है, इंसान हो सकता है कि वो कोई मशीन हो सकता है, तो कि आपने जो एक सेंटेंस लिखा उसका वो जवाब है, बिल्कुल ऐसा ही ऐसे इस तरह हो सकता है। मैं बोलता हूँ यार ठीक है चलो, मेरे पास एक लिंक आया, ठीक है, मैंने उसको यूज़ किया, सारी फेक इंफॉर्मेशन दी मैंने, ठीक है। अब जो लास्ट वाला जो उसका लास्ट स्टेज है जिसके अंदर हमें सुसाइड करना होता है स्टेज 50, अगर मैं नहीं करता वो सुसाइड, ठीक है, मना कर देता हूँ, ठीक है भाई मैं नहीं करता मेरी मर्जी, तो वो कोई आगे मुझे मारेगा, ठीक है, ठीक है, वो क्लिप दे वो रशिया से वापस यहाँ पे आए हो लेके, मतलब मौसम में मारना है आज, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जैसे बहुत से हैं लेकिन जवाब नहीं है, जवाब नहीं है बिल्कुल, बात सारी है। असल में होता ही है कि क्या कहते हैं, अब अगर आप उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उसे क्या पता क्या आदमी होता है। सोचने वाली बात ये है कि लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिस तरह के हम और आप लोग हैं, जो हम लोग नॉर्मली थिंकिंग करते हैं, हमारी ओपन एक माइंड ओपन माइंड थिंकिंग करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ देखिए इस तरह की चीज़ों में आप लोग भी नहीं करें, ठीक है, ये सब एक बेकार चीज़ है, ठीक है। मैं खुद एक जो है वेब डेवलपर हूँ, मुझे भी पता है कि किस तरह से जो है ना ये मशीन ऑपरेटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं और टास्क मिलते हैं ये किस तरह से होते हैं, ये सिर्फ कोडिंग के थ्रू होते हैं, ये फेक होता है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई जो है ना रियलिटी होगी, और बेसिकली अगर हम इसकी हिस्ट्री पे देखा इसकी देखी जाए तो ये बनाई उन लोगों के लिए गई थी जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनके लिए बनाई गई थी, ये हमारे लिए तो है भी नहीं। और अच्छे नहीं मेंटली डिस्टर्ब लोग भी जो है अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उनको भी खुद ये सोचना चाहिए, इट्स जस्ट अ ऐप, इट्स अ फेक थिंग, मतलब आपको कोई कोई इस तरह वीडियो में आपको कोई दफ्तर पे घुस के आपको इस तरह मार देगा यार, इस तरह वीडियो अच्छा मजे की बात यह है कि आप जब 50 स्टाफ का आपके कंपनी लेंगे सुपर डील लेंगे तो आपको इसके बीच में इनाम भी मिलेगा, कोई फायदा आपको चला ये आपको भी फायदा भी है, कोई लाभ मुफ्त में मर जाओ, मुफ्त में मर जाओ अपनी जान में, थैंक यू जी बनता यार। ये भी एक चीज जो है नोट करने वाली है, आप सोचो जरा अगर चलो आपको इनाम विनाम मिल जाए कुछ करोड़ रुपए मिल जाए आपको तो बंदा उस काम के बारे में सोचे भी बिल्कुल, लेकिन जब आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं अगर कोई हमारी ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें आप कोई ऐसा काम करें या ऐसा कोई वर्क स्टार्ट करें जिससे आपका डिप्रेशन कम हो, ये नहीं कि आप जो है अपने आप को काटना पीटना शुरू हो गए और वेल मछली बनाना शुरू हो गए। आप लोग इसके लिए एक और भी टास्क है, इसके अंदर पैर के अंदर F40 कुछ लिखना होता है जो इनका फर्स्ट ग्रुप था, वैसे तो पाकिस्तान में इस तरह का अभी तक कोई केस आया नहीं सुनने को, मगर सुना है इंडिया में और इंडिया के अलावा रशिया में तो खैर सब जानते हैं, और इसके अलावा चाइना में और भी ब्राजील में
इस तरह के केसेस काफ़ी सुनने में आए इंडिया के, तो कभी तक काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा था कि इंडिया में काफ़ी सारे अचानक से पिछले हफ्ते जो है अचानक से काफ़ी सारे केसेस देखने को आए हैं इस तरह के जो सुसाइड वगैरह के। तो इंडिया में तो ये है अच्छी खासी फैल चुकी है, पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई है। और अभी सुनने में आया न्यूज़ वगैरह में देखा था कि यहाँ पर आ गई है, लेकिन अभी तक कोई सुसाइड मतलब इस तरह कोई केस अभी आया नहीं। मेरे पास शाम में एक मैसेज आया था, उसमें जो एक नंबर दिया हुआ था और उसमें बताया गया था कि इस नंबर से जो है ना कॉल आती है, ठीक है आपके पास, और उनके पास आपकी पहले से इन्फॉर्मेशन होगी ब्लू वेल की बात। अच्छा, उससे रिलेटेड था वो, ये नंबर से आ रही है कॉल, मतलब वो आपको जो है आके कॉल करके या किसी तरह मैसेज करके आपको थोड़ा सा धमकाएंगे, ठीक है, और वो आपको फोर्स करेंगे कि जो है आप लिंक। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि ब्लू वेल के नाम पे दूसरे जो लोग हैं जो चूना लगाने वाली जो पार्टी होती है वो भी मुतहरक हो गई होंगी। पाकिस्तान वालों ने बोला भाई ये तो अपना सीजन आ गया कमाने का, जितना कमा सकते तो कमा लो, ब्लू व्हेल के नाम का आप इस तरह के लोग ही जाग जाएंगे। जी हाँ, खासतौर पे जो नंबर आते हैं कि आपके इतने फला जगह से आपके इतने हजार में निकले हैं, उस तरह के खासतौर बेनजी असमा भी मैंने आज तक फॉर्म नहीं फिल किया, कोई NIC नहीं ऐसी जगह पर जमा करवा, मेरा कैसे निकला, सोचने वाली बात है, मतलब सोचने वाली बात है। इसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं, बिल्कुल बहुत से लोग फंस जाते हैं। सारी चीज़ें जो है एक ट्रैप है आप लोगों के लिए, आप लोगों को मतलब लूटने के लिए। बहुत से बीच में मैंने देखा था बीच में ऐसे बाद मुस्तफा का नाम यूज़ हो रहा था, मजे की बात ये सारा जो है सिटी एरिया से, ये जितने भी हमारे गाँव के आते हैं ना वहाँ से ही लोग अपडेट कर रहे हैं। मज़े की बात ये है कि कुछ लोग पकड़े गए तो वो ज़्यादातर लोग जो हैं जो लोग फ्रॉड करते हैं फ़ोन पे कि आपका यहाँ इतना इनाम मिल जाएगा आप यहाँ पैसे जमा करवा दें, तो ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो गांव देहात के ही होते हैं। वहाँ पे पुलिस रेड वगैरह नहीं पड़ती, ज़्यादातर वहाँ पर पुलिस का होने नहीं होना, इस वजह से ये लोग मिल जाता है। अच्छा, गाँव देहात की बाइक बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब उनके अंदर सेंस ही नहीं होता है। वो एक देखा सर्विस वाले बाबा, सर्विस वाले बच्चों को वो एक पाइप से लेके जो है ना वो औरतें भी और कुछ मर्द वगैरह तो उन पर पानी डाल रहे हैं और कुछ पड़े जा रहे हैं, उनका नाम जो है लोगों ने सर्विस वाले सर्विस वाले। अच्छा, तब मुझे स्प्रे कर रहे थे पानी का, सर्विस मशीन नहीं होती एक कार सर्विस की, उससे वो कर रहे थे। मतलब आप गाड़ियों के साथ साथ इंसानों को भी सर्विस वाले बाबा, उनका बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, मैं एक बात करना चाहूँगा, मुझे ये बहुत अच्छी आई इसमें क्या कहते हैं उसका जो एक चैलेंज स्टॉक्स में ये भी था कि क्या कहते हैं आपको रात में वीडियो सेंड करेगा, तो मैं आपको उदाब के साथ कह सकता हूँ आपको नुमान खान भी देगा और क्या कहते हैं नासिर खान जान की वीडियो सेंड करेगा, जो हॉरर होती है तो क्या कहते हैं ऐसी हॉरर वीडियो से बनना मेंटली डिस्ट्रेस हो जाता है वो ये भी ब्लू व्हेल था। तो अब यही पैसा हमारा मैसेज यही है कि इस तरह के अब जो लोग हैं अब आपको फेसबुक व्हाट्सएप और जितनी भी सोशल मीडिया की साइट्स हैं और आपके नंबर पर भी अब इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो शुरू हो गए आना इस तरह के। मेरे पास जो ब्लू व्हेल के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं, और उसके अलावा मेरे ख्याल में तो यार इन सब चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिशन याद रखो उसका कि वो ऐप फाउंड क्यों होगी, मेंटली डिस्टर्ब लोग या मेंटली इल लोग जो होते हैं उनको ख़त्म कर बिल्कुल, ये एक बिल्कुल फेक है क्योंकि इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, आप लोग भी इस चीज़ से बचें और अपने इर्द गिर्द भी देखें जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या होना चाह रहे हैं उनको जो इन चीज़ों से रोके और आप लोग गाइड करें, सोशल हो जाए थोड़ा सा, आप लोगों दोस्तों से मिलें, अगर इन सब चीज़ों से बच जाए डिप्रेशन से बच जाए तो आप थोड़ा बाहर निकलें दोस्तों से मिलें, तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में पीछे रह जाएंगी, उसके बाद फिर आप लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इस तरह की गेम्स की। और अभी भी मैंने कुछ मौसम ऐसे आप समझ लें कि पता नहीं किस तरह टाइप के लोग हैं उनमें देखें जो फेसबुक में बाकायदा स्टेटस डाल रहे हैं कि कोई ब्लू व्हेल का जो है हमें लिंक दे गेम की, मतलब इस तरह के पागल लोग भी हैं ज़बरदस्ती, मतलब वो ना हर ग्रुप में जाके ना कह रहे हैं कि किसी के पास अगर ब्लू व्हेल गेम का लिंक है तो वो मुझे दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो बेसिकली शॉप के लिए करते हैं, और वो जो लड़के जो ये लोग मांग रहे हैं लिंक वगैरह की ये लोग भी करने वाले नहीं है, उनको पता है पहले जब पहला चैलेंज मिलेगा ना हाथ काट के उसमें बेल बनानी है तो उसमें उनकी जो है ना हाथ में आ जाएगी और फिर वो
फिर वो बोलेंगे कि भाई माफ करो, ऐसा ये लोग लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बताना चाह रहे होते हैं कि यार नहीं हम लोग जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, वो बिना वो एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे वो और बस शेयर बना के बेचेंगे और ये सब फजूल की बातें हैं, एकदम फजूल चीज़ है ये, आप लोग चाहिए कि इसको अवॉइड करें। डर की बात है, हमारा तो इस्लाम क्या कहते हैं इस चीज़ की ज़्यादा थी, बिल्कुल हमारे हमारे ये इधर रिलीजन में हराम है, और मेरा तो कोई भी रिलीजन नहीं, ये इस तरह के कामों की जाती देता होगा, बिल्कुल नहीं देता कोई। इन दी एंड हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि बस आप लोग जो है ख्याल रखें और अपने दूसरों का भी ख्याल रखें और आपके इर्द गिर्द। और आज हम लोगों ने जो देखा आगे पीछे अपने के कितने मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो गया ये, हर बंदा जो इसके बारे में बात कर रहा था, हमें हम भी बात करें और अपने हिस्से से हम लोग जो आप लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं, जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस वो हम लोग अपनी अवेयरनेस जो आप लोग तक पहुँचाएँ।